birthday to you. Happy birthday to you. फिर चल गया, फिर चल गया। उसको एफर्ट करने दो ना, वो हो रहा है ना। ये फुलझड़ियों वाले, वाह, ऐसे भी कैंडल्स होते हैं। वो हाँ, तुम्हारा जल पड़ा वो जबरदस्त। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो थोड़ा बस, मैं आप खाओ। अस्सलाम वालेकुम, देखती हूँ आंखों और सुनते कानों को मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप के सब कुछ ठीक होंगे। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि बर्थडे थी, ये हमारे नेबर है, इस बच्ची को बहुत शौक था बर्थडे करने का, तो हम सब ने मिलके एक छोटा सा मतलब छोटी सी एक पार्टी टाइप इन्होंने रख ली, तो मैं भी सेलिब्रेट करने के लिए चली गई। उसने मुझे बुलाया कि पप्पू आप भी आओ मेरे बर्थडे में, तो मैं चली गई, तो वो बहुत खुश हो गई। और ये कैंडल की देख ली, मैंने पहले भी इतना, मैंने यार पहली दफ़ा देखा ऐसा कैंडल जो जल रहा है, खुद ही जल जा रहा है, और मन फूक मार के बुझा रहे हैं उसे, वो फिर जल जा रहा है। यार मैंने सच में फर्स्ट टाइम देखा, ये तो बड़े मज़े का ट्रिक है। अच्छा जी, बड़ी अच्छी उसकी बर्थडे की, फिर बड़ा मज़ा आया उसकी बर्थडे में। और ये मेरे फुल डे की रूटीन है, नहीं ये रात का टाइम है बहुत दिन पहले। और यहाँ फिर वापस घर आई तो यार बड़ी सर्दी हो रही, तो ये देखें आप, ये मैं क्या उल्टे काम कर रही हूँ। अम्मी मुझे कह रही थी मत कर ये उल्टे काम, पर मैंने कहा नहीं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखना है। मैं ओवन में ना व्यूअर्स अंडे बॉईल कर रही हूँ। अम्मी ओवन में शकरकंदी बनाती हैं, आलू बॉईल करती हैं, तो मैंने कहा आप सारा कुछ करती हैं तो मैं इसमें अंडे क्यों ना बॉईल करूँ। काम चोर तो मैं वैसे ही हूँ, पहले ही हूँ पता है सबको। तो मैंने ना एक प्लास्टिक का बाउल लिया, उसमें पानी डाला, काफ़ी ना वो गहरा था, डीप था, तो उसमें मैंने पानी डाल के 3 अंडे डाल दिए। मैंने कहा यार अंडे जो भी होगा देखा जाएगा, फटेंगे जो भी होगा देखा जाएगा, तो फिर ये मैंने कर डाला। हेलो, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। कोई नई ताज़ी नहीं जनाब, सब बासी बासी। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ ना, आप लोगों को तो मैंने बताया था जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन की है, तो यार बड़ा मुश्किल ब्लॉगिंग जो है ना करना। यू नो कि ब्लॉगिंग में भी बड़ा टाइम लगता है, एक फुल डे जॉब है ये एक ये फुल डे जॉब की तरह है ब्लॉगिंग, इतना आसान नहीं है यार। जो लोग करते हैं ना, सल्यूट है यार। ये आप ढेर देख रहे हैं व्यूअर्स, ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए सैटरडे को, हफ्ते को वॉश करके, ये आज सूख है, आज का दिन है, आज है ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, आज सूखे, आज हल्की सी धूप निकली थी तो ये आज सूखा है। और जिस दिन से मैंने कपड़े धोए थे मैं बीमार हो गई, आपको मेरे गले की आवाज़ से अंदाज़ा हो ही गया होगा मैं बीमार हूँ उस दिन से ही, हफ्ते से ही बुखार, गला ख़राब, ठंड लगी हुई है कपड़े धोने की वजह से। नाजुक मिजाज तो मैं पहले ही थी, और बस ये सर्दियों में यही मसला है, कपड़े धो लो नहा लो तो मैं बीमार, बुखार, पता नहीं सर्दियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बस मेरा तो ना ये मसला है। अब ये कपड़े सूख गए हैं तो 2-3 दिन से बेचारे पड़े हुए थे, तो अब मैंने आज सोचा कि इनको ना नीचे वाले कपड़े नीचे पहुँचाऊँ बास्केट में, और जो ऊपर हैं वो मैं अपने सेव में पैक करूँ। और कोई नई ताज़ी नहीं यार, सब बासी ज़िंदगी में चल रही है। बासी क्या, क्लास स्कूल में एक्टिविटीज़ हैं, काम है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और तो कुछ भी नहीं है।